स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी बुलंदशहर में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा। रविवार को बुलंदशहर के अलग अलग कस्बों और शहरों में 49 नए कोरोना के मरीज सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की बेचैनी और बढ़ गई है। दरअसल जनपद में यह संख्या अब तक एक दिन में आने वाले मरीजों की सर्वाधिक तादाद बताई गई। अब जनपद में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या 731 पहुंच गई है। हालांकि 507 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं और 22 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। जिले में अब कुल 202 कोरोना मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुलंदशहर में 28, डिबाई में 11, सलेमपुर के 3, बीबी नगर, सिकंदराबाद, पहासू में 1-1, खुर्जा और सियाना में 2-2 मरीज सामने आए हैं। जिला कोऑर्डिनेटर रोहताश यादव ने बताया कि कोरोना मरीजों को कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि कोरोना मरीजों के कांटेक्ट में आए लोगों को भी क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए भेजा जा रहा है। बात अगर देश की करें तो बीते 24 घंटे में 24,850 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 14,856 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। कुल मिलाकर 5 अप्रैल तक की बात करें तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 6,73,165 पहुंच गई है। इनमें से 4,09,083 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अभी भी 2,44,814 मरीज उपचाराधीन हैं। बीते 24 घंटे में 613 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। कोरोना के कारण अब तक 19,268 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।